जिगिशा पटेल फ्लोरिडा अमेरिका से सवाल पूछ रही है। महिलाओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनको यह समझता नहीं कि कहा कब क्या बोले, क्या यह बात सही है? अगर सही है तो उसके बारे में क्या किया जाए? अब यह सवाल एक महिला ही नहीं पूछा, महिला नहीं पूछा है, इसका मतलब शायद उनको कुछ लोगों ने ऐसा कहा है। यह जनरलाइज करना बड़ा कठिन है कि पूरी की पूरी महिला जमात ऐसी है कि उनको समझता नहीं कहां क्या बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है, कैसे बोलना है। यह हो सकता है कि स्त्रियां आपस में जब बात करती है तब इसके बारे में बहुत सजग नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा व्यक्त करना चाहती है, बहुत बोलना चाहती है। लेकिन यही महिला जब किसी पुरुष के सामने बोलती है, पुरुष के साथ में बोलती है, तो बहुत सजग होकर और संभल कर बोलती है, क्योंकि बचपन से हमको इस ढंग के संस्कार दिए जाते कि लोगों के सामने बोलते वक्त जरा माप तोल कर बोलना चाहिए, संभल कर बोलना चाहिए, ठीक से बोलना चाहिए। ये आम संस्कार होते, इसलिए हर स्त्री के बारे में ऐसा कहना कि महिलाओं को यह समझता नहीं है कि कब क्या और कैसे बोले, ये तो जनरलाइज स्टेटमेंट किया नहीं जा सकता, और ऐसा कोई जनरलाइज स्टेटमेंट करना आज के जमाने में ये बहुत गलत बात, अन्याय करने वाली बात। इंसान को ये समझ कहां से आती है, मैंने कहां बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलने चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। एक हमें संस्कारों से आती है, जो बचपन से हमको मां बाप कहते हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोग कहते हैं। दूसरा, हमारा जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, समझ बढ़ती है, समाज के साथ में इंटरेक्ट करते वक्त जो हमारे अनुभव बढ़ते हैं, उसके आधार पर हमारे समझ में आता है कि हमने कहां क्या बोलना है, कैसे बोलना है। यानी शायद हमारे घर में इस ढंग के संस्कार नहीं हो पाए, या फिर हमारे घर के बड़े मेंबर्स हैं उनमें कुछ ऐसी आदतें हैं कि कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, तो भी उस घर की व्यक्ति जब बड़ी होती है, बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करती है, अलग अलग लोगों के साथ में बर्ताव करते वक्त उसके अनुभव प्राप्त होते हैं, और वो व्यक्ति अगर सेंसिटिव है, विचारों के बारे में सजग है, तो वो डेफिनेटली सीखेगी और उस ढंग के बदलाव अपने आप में लाएगी। ज्यादा चीजें हमें अनुभव सिखाती है। कई बार हमें सत्य बोलने का मोह होता है, फट से सत्य हम बोल देते हैं। अब किसी के बारे में हमने फट से सत्य बोल दिया तो उसको बुरा लगता है, उसके हमारे रिलेशन बिगड़ते हैं, कई बार उसमें से झगड़े पैदा हो सकते हैं। तो अनुभव से हमें सीखना पड़ता है कि भाई ये बात तो ठीक नहीं है, इस ढंग से नहीं बोलना चाहिए, या तो हर जगह सत्य बोलने की आवश्यकता नहीं है, और अगर हम बोले भी तो इस ढंग से बोले कि जिसके कारण सामने के व्यक्ति को कम से कम बुरा लगे। अब सिंपल सी बातें हैं, ये बातें हमें सीखनी पड़ती है। किसी ने एक ड्रेस पहना है, नया नया ड्रेस है, महंगा ड्रेस है, और हमें पूछ रही है ये ड्रेस मैंने लिया इतने रुपए का लिया है, बहुत महंगा है, कैसा दिख रहा है मेरे को, और आपको लगता है कि ये ड्रेस में ये व्यक्ति भद्दी दिख रही है, और आपने कह दिया कि बिल्कुल नहीं, बहुत भद्दा दिख रहा है। अब ये व्यक्ति तो पूरी तरह से नाराज हो जाएगी। लेकिन आप झूठी बात कहोगे कि नहीं नहीं बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें बहुत सूट कर रहा है, तो यह भी ठीक नहीं है, यानी आप उनका नुकसान कर रहे हो, उसी ढंग के ड्रेस लेने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हो।
अलग शब्दों में ये बात कहना हम सीखते हैं, सीखना चाहिए कि नहीं, ड्रेस तो ठीक है लेकिन तुम्हारा व्यक्तित्व जिस ढंग का है उसमें इस ड्रेस के कारण जो निखर कराना चाहिए उतना निखरता नहीं है, बाकी ड्रेस तो ठीक ठाक है। तो शायद सामने के व्यक्ति को इतना बुरा नहीं लगेगा लेकिन उसके पास संदेश भी पहुंच जाएगा। तो हमने कब, क्या और कैसे बोलना चाहिए यह हम अपने अनुभव के आधार पर सीखते हैं। दूसरा, बचपन से हमारी हमारे बारे में क्या मान्यता है इसके आधार पर भी सीखते जाते हैं। अगर झूठ बोलना, झूठी तारीफ करना, लोगों को चने के पेड़ पर चढ़ाना, यह हमारे संस्कारों में से हमें आया है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है ऐसा हम मानते हैं। मुंह पर, क्योंकि आम संस्कार ऐसे भी हो सकते हैं कि मुंह पर तारीफ करो, झूठी तारीफ करो, एकदम से चने के पेड़ पर चढ़ाओ और जैसे ही वो व्यक्ति चली जाती है उसके पीठ के पीछे, अरे क्या इतनी भद्दी दिखती थी ना इस ड्रेस में, कौन समझाए उसको, जाने दो गंदी दिखती है तो दिखती है, मुझे क्या। अगर इसी ढंग के हमारे संस्कार रहेंगे तो फिर हम ऐसे ही बर्ताव करते रहेंगे। हमने अपने विचारों के बारे में प्रामाणिक रहना चाहिए, लोगों के साथ में अच्छे रिलेशन रखने चाहिए लेकिन झूठ के आधार पर नहीं, सच्चाई के आधार पर रखने चाहिए। किसी के मुंह पर झूठी तारीफ नहीं करना चाहिए और साथ में किसी के पीठ के पीछे उसके बारे में बुराई नहीं करनी चाहिए। ये जो अच्छे अच्छी बातें हैं और ह्यूमन रिलेशंस के लिए भी बहुत अच्छी बातें हैं और वैल्यू सिस्टम से भी, जिसे हम नैतिक मूल्य कहते हैं, उससे भी अच्छी बातें हैं उस दृष्टिकोण से भी। तो ये अगर हमारा दृष्टिकोण पहले से बना हुआ है तो हम उस ढंग से अपने आप में सुधार लाएंगे। इसलिए हम जैसे स्त्री के बारे में जनरलाइज नहीं कर सकते हैं वैसे ही हर व्यक्ति के बारे में भी जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने वैल्यू सिस्टम के अनुसार, नैतिक मूल्यों के अनुसार, धारणा के अनुसार वो बर्ताव करता है। सामने के व्यक्ति के साथ में मैंने कैसे बर्ताव करना चाहिए ये तय करता है, लोगों के साथ में मैंने कैसे इंटरेक्ट होना है ये तय करता है, इन सब चीजों का एक मिला जुला वो परिणाम होता है। और इसलिए जो लोग अंदर से प्रामाणिक है, लोगों के प्रति जिनके मन में प्रेम है, मुझे अगर कोई हर्ट करता है तो मुझे दुख होता है, उस ढंग से मैंने किसी को हर्ट करना नहीं चाहिए, ये प्राथमिक मानवीयता वाला दृष्टिकोण अपने जीवन का हिस्सा बनाता है, वो अलग ढंग से अपने आप को आगे चलकर सुधारते जाएगा। वो अपने आप सीखते जाएगा कि मैंने कहा क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस ढंग से बोलना है। और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों का फर्क नहीं हो सकता है। अब फर्क कहां पर आता है, पुरुष को पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो एक स्वतंत्रता होती है उसके कारण उसका अनुभव का दायरा बहुत बड़ा होता है, वो अलग अलग अनुभव इजीली ले सकता है। और पैट्रियार्कल सोसाइटी में जाने अनजाने में स्त्रियों पर जो बंधन आते हैं उस कारण उसका अनुभव विश्व सीमित होता है, अपने आप कुछ बंधन उस पर आते हैं और इसलिए ये सीमित अनुभव विश्व के कारण शायद उसका अनुभव विश्व इतना बड़ा न होने के कारण उसकी सीखने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो सकती है। और इस कारण फिर हम कहीं जिस ढंग से रिएक्ट नहीं होना चाहिए वैसे हो जाते हैं, या फिर जिस ढंग से अपने आप को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए कर जाते हैं, तब दूसरा अगर कोई मैच्योर्ड व्यक्ति वहां पर है जिसको बहुत अनुभव है
जिसका अनुभव विश्व थोड़ा ज्यादा बड़ा है, दायरा बड़ा है, तो उसके ध्यान में आएगा कि इस ढंग से बर्ताव नहीं करना चाहिए था लेकिन कर दिया, तो फिर वो बोल सकता है कि तुम्हें समझता नहीं है कहां क्या बोलना है कैसे बोलना है। लेकिन ये भाषा गलत, उस वक्त भी ऐसा समझाना चाहिए सामने के व्यक्ति ने, ठीक है तुमने ऐसा कहा, इसके बजाय इस ढंग से कहते तो ज्यादा अच्छा होता, ये सिखाने का तरीका होना चाहिए। और फिर हमने भी वहां कोई इंसल्टिंग बात न मानते हुए उस ढंग के सुधार हमने करने चाहिए। ये गिव एंड टेक की पोजीशन है। हर व्यक्ति के अनुभव के दायरे असीम नहीं हो सकते, हर एक के अनुभव के दायरे सीमित है, विचार करने का दायरा भी असीम नहीं होता है, इसलिए हर व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश होती है। अगर हमारे आसपास के लोग इस ढंग से बोलते हैं तो ये बोलने का तरीका गलत है, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य हमने समझ लेना चाहिए। अगर हमें लगता है कि इसमें कोई गलती हो रही है तो उसमें सुधार करने की तैयारी रखनी चाहिए। और इंसान कभी भी बदल सकता है, कभी कोई ऑप्टिमम पोजीशन पर वो पहुंचता नहीं है, उसे बेहतर बनने के लिए हमेशा अवसर होता है, और बेहतर और बेहतर और बेहतर। पर्सनैलिटी के क्षेत्र में तो कोई अंतिम छोर तो होता नहीं है, इसलिए ऐसे बदलाव करने के लिए हमने तत्पर भी रहना चाहिए। शायद लोग निगेटिव तरीके से उसको व्यक्त करते हैं तो वो निगेटिव तरीका जो है उसके कारण हमको थोड़ा सा बुरा लगता है, उस बात को हम हटा दें और उसके पीछे का उद्देश्य समझ लें। अगर उसमें सुधार की गुंजाइश है तो हम सुधार करें, ऐसा ये टू वे प्रोसेस होनी चाहिए। यानी स्त्रियों को इस ढंग से दूषण देना, दोष देना या फिर जनरलाइज स्टेटमेंट करना, ये भी गलत है, ये पैट्रियार्कल सोसाइटी की एक मानसिकता है। लेकिन इस ढंग की अगर कोई गलती होती है तो उसमें सुधार के लिए गुंजाइश है, उसको भी हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को जरूर शेयर भी करें, तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विजिट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।